मेहनत के दम पर अपनी किस्मत लिखने वाला किसान वक्त के साथ बदल रहा है। नई तकनीक के साथ साथ नवाचार को भी हमारा किसान जमकर आजमा रहा है। ऐसे ही मेहनतकश किसानों को सम्मान और सराहना मिली जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में। कृषि संकल्प नाम के इस आयोजन में देश के नामी गिरामी किसानों ने शिरकत की। एक मेहनत की मिल्कियत है उसके पास, जिद पे आता है तो झुका देता है आसमान। परिवेश बदला, परिधान बदला, नवाचार के दम पर अब बदल रहा है हमारा किसान। मिट्टी को सोना कर देने की तजवीज जिसके हाथों में है, वो किसान ना सिर्फ हमारे देश की पहचान है, बल्कि वो किसान ही है जो हर तकलीफ और परेशानी के बाद भी हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। उसका कर्म अब देश की तरक्की के मुकद्दर से जुड़ गया है। देश के नवाचारी किसानों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स यानी कि आईसेप ने। आईसेप के इस संकल्प का मकसद है किसानों की आय बढ़ाना। दो दिन के आयोजन में देश के कई मेहनतकश किसानों ने शिरकत की। मिशन फॉर्मर साइंटिस्ट, जी हाँ, एक ऐसा मिशन जो नवाचारी किसानों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एक ऐसा परिवार जो हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हैं एक दूसरे के साथ, हर सुख में हर दुख में। एक ऐसा परिवार जो सब्सिडी की बात नहीं करता, जो कर्ज माफी को पसंद नहीं करता, जिसके समर्थन मूल्य के कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे भरोसा है अपनी मेहनत पर, अपने हौसले पर और अपने जुनून पर। इस परिवार में देश भर के कई किसान हैं। उनमें से कुछ किसानों से मिलने का मौका मिला कृषि संकल्प कार्यक्रम में, जो कि बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इन सभी किसानों ने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, जो कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक जीवनी बन चुके हैं। सबसे पहले हम मिले सरुण बाजा से, जो कि एक छोटे से गांव के रहने वाले 10वीं पास एक किसान है, लेकिन अपने इनोवेशन के दम पर राष्ट्रपति पुरस्कार इंफोसिस से 10 लाख रुपए तक का सम्मान हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही सरुण बाजा महिंद्रा समृद्धि पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। मैं किसान हूँ और किसानों की समस्या को देखते हुए मैंने कुछ इक्विपमेंट बनाए हैं। पहले तो मैंने ये खरपतवार हटाने की मशीन बनाई है, जो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जो खरपतवार होता है उसको ये ज़मीन के अंदर दबा देती है और खाद के रूप में वो काम करती है। तो ये प्याज खोदने की मशीन है और एक दिन में 300 से 400 लेबर जितना काम कर सकती है उस जमीन के हिसाब से। इसके बाद हमारी मुलाकात हुई श्री गंगानगर जिले के पदमपुर के रहने वाले गुरमेल सिंह दोषी से, जिन्होंने खेत के कचरे को काम में लेते हुए ऑर्गेनिक खाद बना ली है। बहुत ही कम समय में तैयार हुई ये खाद किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुके गुरमेल सिंह दोषी आगे भी कुछ और मशीनों पर लगातार काम कर रहे हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी मशीनें बनाई है, जो कि किसान के हर वक्त में, हर टाइम में नए नए डिजाइनों की, नए नए काम आने की बनाई हुई है। वैसे दो मशीन मेरी सबसे ज़्यादा फेमस है, वैसे तो तीन मशीन फेमस है, पर दो जिनके ऊपर मेरे को अवार्ड भी मिला हुआ है। एक तो हमारी ये मशीन है ट्री प्रूनर, ये मॉडल है उसका, ये मशीन बनाई हुई है, पेड़ों की कटाई छटाई करती है और किसान की लेबर की प्रॉब्लम थी वो दूर होगी। और दूसरी मशीन का ये मॉडल है हमारा, और इस मशीन से जो किसान कचरा जला रहा था अपने खेत का, जैसे वन छिटियों का कचरा, पेड़ पौधों के पत्ते, शुगर कैन का छिलका और धान की पराली, एक तो कचरे को ये मेंटी कटिंग करके बरीक करती है, दूसरा उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेनेंस करती है। मेंटेनेंस होने से और बार बार पानी लगने से, हवा लगने से और बरीक होने से ऐसे डीकम्पोस्ट है जो जल्दी हो जाती है, और आप दिन में, एक दिन में कम से कम भी आप 10,000 टन माल आप तैयार कर सकते हो। अगली स्टॉल है राय सिंह दहिया की, जो कि खेत के कचरे से बिजली बनाने वाली मशीन बना चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले बर्नर और चूल्हे से बना प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए कटिबद्ध दहिया को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। दहिया अब शहर के कचरे को ऊर्जा में बदलने के प्रयास में लगे हैं। ये बायोमास गैसीफायर है फर्स्ट में, तो दूसरा स्टोव कोक भी है चूल्हे वगैरह। तो सबसे मेन तो ये समझो आप बायोमास गैसीफायर, जो खेती कचरे से बिजली बनाने का जनरेटर सिस्टम।
खेती किसानी को पहचान देने वाले इन किसानों में न सिर्फ पुरुष शामिल थे बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मिली संतोष खेदर। कृषि संकल्प में आई हुई आत्मविश्वास से भरी संतोष खेदर से जब हमारी मुलाकात हुई तो हमें लगा कि फार्मर साइंटिस्ट परिवार अपनी मुहिम में पूरी तरह से सफल है। एक संपन्न एक समृद्ध किसान ही अच्छा पोषण तैयार कर सकता है। संतोष खेदर ने मुफलिसी के दौर में जो कीर्तिमान बनाए हैं वो पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत हैं। संतोष खेदर आगे भी देश के लिए और खेती किसानी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। मैं हमारी ये खास बात है कि हम जैविक खेती से अनार तैयार करते हैं जिसमें कि रसायन न डाल के हम जो अपने घर पे ही बिना पैसा दिए जो जैविक खेती के लिए जो खाद बना रहे हैं वो डाल के हम अनार तैयार करेंगे। उसकी गुणवत्ता है वो बहुत ही अलग है और उसका टेस्ट जो है वो आप स्वाद टेस्ट करेंगे तो उसका और ही अलग आएगा। और उसकी जो साइज है वो आप देखोगे तो 900 ग्राम तक की उसकी साइज जा रही है। और जो पेड़ है जो आज हमारा पेड़ है वो 20 साल तक खराब नहीं होगा। इस परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है जो कि किसानों के उस पशुधन के लिए काम कर रहा है जो कि हर कदम हर दम किसान का साथ देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गजानन अग्रवाल की। ये शख्स जो किसानों के पशुओं के लिए पौष्टिक आहार तैयार करते हैं जिसे अजोला कहते हैं, वो न केवल खुद उगाते हैं बल्कि आसपास के किसानों को उगाना सिखाते भी हैं। और इस मुहिम में गजानन काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। अजोला के उत्पादन और किसानों की जो रुचि है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वर्तमान की स्थिति ये है कि हमारे को पूरे भारत से अजोला की डिमांड है। लोग बाग जो इसका मदर सीड है पूरे भारत में अलग अलग जगह से मंगा रहे हैं, जैसे नागालैंड से आ रही है हमारे पास इंक्वायरीज हैं, आसाम से है, आपके आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से है, तमिलनाडु से है, कर्नाटका से है, महाराष्ट्र से है, मध्य प्रदेश से है। और किसानों की जो रुचि है इसके प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और हम यहाँ पर किसानों को जैविक खेती के लिए मोटिवेट करते हैं। बाकी जो अजोला है जो पशुओं के लिए प्रोटीन युक्त चारा है, हरे चारे की जो पूर्ति करता है, अपने यहाँ राजस्थान में 12 महीने जो हरा चारा नहीं मिलता है उसकी ये पूर्ति करता है। वैसे तो किसानों का परिवार पूरा देश है, लेकिन इस परिवार में जो भी जुड़ा वो ऐसे बंधन में बंध गया कि सब उसके हो गए और वो सबका हो गया। नवाचारी किसानों की इस अनुपम माला की डोर बने महेंद्र मधूब जी, जिन्होंने अपनी रिसर्च और मेहनत के दम पर देश के कोने कोने से नवाचारी किसानों को खोज कर एक मंच पर उकेर दिया। और उस मंच का नाम है अन्वेषक किसान, जो कि पूरी तरह से एक किताब की शक्ल में है। इस किताब में जो किसान शुमार हुआ वो एक शख्स नहीं बल्कि वो एक शख्सियत बन चुका है। संपूर्ण स्थितियों को देखते देखते ये लगने लगा 2016 में कि 70 साल पार कर दिए फिर भी यस सर जिंदगी तो इसी पे बीत गई, कुछ ऐसा करे जो सबसे हटकर हो। तब निर्णय लिया, हरियाणा में ईश्वर सिंह कुंडू हैं जिनको महिंद्रा ने 44 लाख रुपए की सम्मान राशि दी थी, मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार बनाया जाए। किताब में दर्ज हर लफ्ज ना सिर्फ कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं बल्कि किसानों की मेहनत और नवाचार को दुनिया के सामने भी ला रहे हैं। इस किसान परिवार को A1 TV की बहुत सारी शुभकामनाएं।